Life is ever-changing and ever-evolving. Embrace every change that comes your way with open arms and a beautiful smile, and turn it around in your favor. Hello and welcome to Dazzler Eterna Love Yourself with me, Akriti Anand, where we take care of all your grooming needs for every event that comes in your life. Every episode will showcase a stylist, a makeup artist, and a photographer. My name is Arnika and now I'm in my final year of BTEC CS. I stay very far away from my college. My college is approximately 45 kilometers. I don't have time for grooming myself in the morning. Maximum 5-10 minutes I made a high bun, banaya, kajal lagaya, and just rushed to the college. Because of hectic schedule, I have fine lines under my eyes. After 6 months, I'm doing a job, possibly. And for that job, I don't need a baby look. I need a professional look. That professional look मुझे एक मेकओवर से मिल सकता है एंड या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माय मेकओवर लेट्स होप कि आई लुक द बेस्ट आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन हाय ओ यू आर सो प्रिटी एंड क्यूट थैंक यू आपके बाल बड़े सुंदर हैं थैंक्स जरा खोल के दिखाइए ना दैट्स सो प्रिटी द यूजुअल थिंग हमेशा ऐसे करता है टर्न अराउंड ओ माय गॉड इतने सुंदर बाल हैं आपके ऑल थैंक्स टू माय मदर अब बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं आई वुड बी एंटरिंग द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन 6 मंथ्स स्टाइलिंग दैट आई नो इज पुट ऑन अ जीन्स पुट ऑन अ कंफर्टेबल टी शर्ट और चलो कॉलेज बट ऑफिस में ऐसा नहीं होता है ऑफिस में यू हैव टू लुक प्रोफेशनल यू विल बी मीटिंग क्लाइंट्स यू विल बी मीटिंग योर बॉस देयर यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल इन अ प्रोफेशनल वे सो आई नो द राइट पर्सन टू टेक यू टू वेटिंग टू मीट दैट पर्सन Okay, then let's go to our stylist and figure out your wardrobe first. I'm excited. Let's go. Arnika, meet Abhimanyu. Hi, Arnika. Well, Arnika, आपकी जो भी style requirements हैं, आप Abhimanyu को बता दीजिए. Sure. He is going to fulfill all your queries. और अपने makeover के लिए एक dress भी select कर लेना. ठीक है? Please take care of my little girl. Come, Arnika. Bye, guys. Bye. See you. जब अर्णिका को फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो एक बहुत ही स्वीट सी डेलिकेट सी पर्सनालिटी मेरे सामने दिखाई दे रही थी जिसको वो चेंज करना चाहती थी उन्होंने बताया कि वो जल्द ही एक ऑफिस ज्वाइन करने वाली हैं और उनको थोड़ा सा फॉर्मल लुक चाहिए था आई हैव दिस ऑप्शन फॉर यू इट्स अ कॉफी कलर स्केटर ड्रेस विद प्लीटेड स्लीव्स और ये आप पे परफेक्ट लगेगा yeah, wanna try it? Yeah, I wanna try this actually. Excited? Yeah. Winter season आ रहा है ना उसके लिए आई हैव एन ऑप्शन फॉर यू यू कैन ट्राई दिस कैमल कलर ट्रेंच कोट कैसा लगा बहुत प्रीटी इसे आप स्टाइल कर सकते हैं इसके बेल्ट के साथ में ऑफिस गोइंग गर्ल्स जिनको लगता है कि उनकी हाइट बहुत शॉर्ट है और वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते तो एक स्केटर ड्रेस उनके लिए बेस्ट है हेलो मैम हेलो अर्णिका कैसे हो बढ़िया अच्छा बताओ क्या क्या इश्यूज फेस कर रहे हो आप मैम एक तो मेरा जो फेस का शेप है वो राउंड शेप है तो उससे एकदम चबी चबी क्यूट बेबी लुक आता है हाउ कैन वी गिव अ शार्प जॉ लाइन विद हेल्प ऑफ मेकअप क्योंकि मुझे मेकअप कुछ नहीं आता बस यही सारे इश्यूज हैं आपके साथ हाँ तो स्टार्ट करें हाँ जी आप अर्णिका सबसे पहले अपने स्किन पे अप्लाई करोगे डैसलर एटर्ना परफेक्ट ग्लो प्राइमर ओवरऑल फेस पे आपको एक थिन लेयर अप्लाई करनी है इसकी ये एक प्रोटेक्शन का काम करता है तो आपको अपने फेस पे ये हमेशा अप्लाई करना है मेकअप से पहले ये ऑल स्किन टाइप है चाहे आपकी स्किन ऑयली हो ड्राई हो नॉर्मल हो सेंसिटिव हो कैसी भी हो आप इसको अप्लाई कर सकते हो अब मैं यूज़ कर रही हूँ डैसलर एटर्ना की कंसील पैलेट ये एक 3-in-1 पैलेट है जिसमें कॉन्टोर भी है हाइलाइटर भी है और कंसीलर भी है आपने कहा था ना आपका फेस राउंड है चबी दिखता है तो आपके फेस को एक प्रॉपर शेप जब हम देंगे तो वो कॉन्टोरिंग से देंगे तो आपके लिए ये पैलेट तो सबसे ज़्यादा मस्त है अब आपका आई मेकअप मैं स्टार्ट करूँगी ये है डैसलर एटर्ना के एनचांटे आई शेडो पैलेट मैंने उसमें उठाया मैट शेडोज इन द शेड ऑफ ब्राउन
जो कि उनके आईज पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। उनके स्किन पे मैंने डैसला एटर्ना लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई किया। इसके फुल कवरेज होने की वजह से जो थोड़े बहुत दाग धब्बे जो उनके फेस पे थे वो पूरी तरीके से छुप गए थे और उनकी जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो गई थी। उनके आईज़ को मैंने कॉम्प्लीमेंट करा डैसला एटर्ना के आईलाइनर से। मैंने उनकी आईज़ पे बहुत ही थिन लाइनर का एप्लीकेशन किया। अर्निका के फेस के मेकअप को मैंने कंप्लीट करा डैसला एटर्ना के शेयर ग्लो कॉम्पैक्ट पाउडर से, ताकि उनका जो मेकअप है वो लंबे समय तक बना रहे। अगर आप कॉम्पैक्ट एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो आपको बार बार अपने मेकअप पर टचअप करना पड़ेगा। उनके एक इशू था कि उनका फेस बहुत ज़्यादा चबी है, तो इसलिए मैंने उनको बताया कि सही तरीका क्या है कॉन्टोर करने का। सॉफ्ट कॉन्टोरिंग के बारे में मैंने उनको टिप्स दिए कि किस तरह से अपने फेस को वो कट दे के थोड़ा सा वो स्लिम अपना फेस दिखा सकते हैं। मैंने उनके आईज पे काजल अप्लाई करा। काजल में मैंने यूज़ करा डैसला एटर्ना काजल सुप्रीम। उनके फेस पे मैंने अप्लाई करा डैसला एटर्ना का ब्लश इन द शेड ऑफ सॉफ्ट पिंक। उनके लिप्स पे मैंने फिर अप्लाई करा डैसला एटर्ना लॉन्ग स्टे लिप कलर इन द शेड ऑफ सॉफ्ट ब्राउन, जो कि उनके ओवरऑल लुक को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा था और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। नेल्स पे मैंने अप्लाई करा डैसला एटर्ना नेल ग्लिटर। अर्निका को मैंने बताया कि हर बार एक बन बनाना ज़रूरी नहीं होता। उनके बाल इतने ब्यूटीफुल हैं, अगर वो इनको खुला रखेंगी तो वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगी, ताकि उनका ये डाउट क्लियर हो जाए कि उनके खुले बाल उन पे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि एक्चुअली उनके बाल बहुत ब्यूटीफुल हैं और जो उनकी पर्सनैलिटी के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कम ऑन, आंखें बंद रखना, हाँ, डोंट ओपन। अब ये बताओ, ये सब ड्रेस पहन के, इतना मेकअप करके, हाउ आर यू फीलिंग? एक्साइटेड, अभी तक देखा ही नहीं है, मैं कैसी लग रही हूँ, देखना चाहती हूँ। दिखा दे? हाँ जी। चलो ठीक है, दिखाते हैं हाउ यू आर लुकिंग एंड व्हाट इज योर फाइनल मेकओवर लुक। ओपन योर आईज। ओह माय गॉड, जब मैंने अपने आप को मिरर में देखा, आई सॉ अ कंप्लीट न्यू पर्सन। आई कुडंट इमेजिन कि मैं मेकअप और ऐसे मेकओवर के साथ विद ऑल द ड्रेसेस एंड एवरीथिंग, आई कुड लुक दिस डिफरेंट। इट वाज डिफरेंट इन अ पॉजिटिव वे, सो आई लव्ड इट। अब तुम कॉलेज गर्ल से कॉर्पोरेट गर्ल तो बन चुकी हो, तो अब ये बताइए, अपना ये कॉर्पोरेट लुक सबसे पहले किसको दिखाना है? Without any thought, my mother. तो आपकी मॉम को बुला ले? वो पॉसिबल नहीं है, she's a working woman. आ नहीं पाएंगी। नहीं आ पाएंगी? नहीं। अभी ऑफिस में होंगी? नहीं, स्कूल में। अभी स्कूल में होंगी, ओके। ठीक है फिर, हम किसी और को ही बुलाते हैं। Oh my God, mama! Looking different, Anika. The most precious thing is having my mother to see my makeover. I'm so happy and glad that she could make it here. अब मैं भी एक सरप्राइज दे दूं? क्या? अब क्या बचाए थे सरप्राइज़ के बाद? I want to give you a gift to make this moment memorable, and that is a surprise photo shoot with ace photographer Abhinav Pardesi. अर्निका से जब मैं मिला, वो बहुत अच्छी लग रही थी। Actually, I was getting the feeling of an authoritative person from her. With her dress, I wanted to give her a feel of a studio environment. तो इस बार मैंने काफ़ी बेसिक ग्रे बैकग्राउंड एक स्टूडियो सेटअप रखा, जिसमें द एम्फेसिस वाज टू शो हर ब्यूटी एंड अथॉरिटेटिव पोज। सो उसी चीज़ को लेके हमने वर्क करा और काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स दिए। पोजिंग के अंदर इट वाज इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट था उनको समझाना, बट शी ग्रास्प्ड अगेन वेरी फास्ट एंड शी वाज एबल टू गिव सम गुड पोजेस। फोटोशूट वॉज एन एक्सपीरियंस जिसमें मैंने सीखा कि मेरी फोटोज डिफरेंट कैसे आ सकती हैं और बेटर कैसे आ सकती हैं।
I would like to thank Love Yourself for giving me this makeover and a day to cherish for forever. Arnika found a new look for her upcoming job, along with learning the secrets of daily wear makeup. This look will inspire her to be happy and excel at work. If you too are anticipating any change, then why wait? Email us your details on dazzlereternaloveyourself@gmail.com. And be here with me, Akriti Anand, on Dazzler Eternal Love Yourself. I will see you next time. Until then, remember to love yourself.